एमपी के हरदा में कांग्रेस समर्थित जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेवा पटेल के पति हैं मुख्य आरोपी। धर्मेंद्र पटेल ने मृतक अनिल माणिक को बैटरी चोरी के शक में क्रिकेट के बैट से मारकर हत्या कर दी। जिले के टिमरनी थाना क्षेत्र के खीरा खान निवासी मृतक अनिल माणिक पिता जागेश्वर माणिक उम्र 30 वर्ष मृतक की मौत का खुलासा कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल द्वारा किया, जिसमें पुलिस द्वारा हत्या SC ST एक्ट का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 3 आरोपी हैं। मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपी जनपद पंचायत अध्यक्ष हरदा के रेवा पटेल के पति धर्मेंद्र पटेल मुख्य आरोपी हैं, जहां मृतक अनिल माणिक आरोपी धर्मेंद्र पटेल के डंपर का ड्राइवर था, जहां आरोपी ने अपने इंदौर रोड स्थित मकान पर मृतक के साथ डंपर की बैटरी चोरी करने के शक में उसके साथ क्रिकेट के बैट से मारपीट करने के दौरान शरीर में गंभीर चोट के कारण मृत्यु हो गई। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करते हुए मृतक को इलाज के नाम पर एक ऑटो में ले जाकर भुवन खेड़ी रोड के पास फेंक दिया और आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक्सीडेंट का मामला बनाया, जहां आरोपी ने पहले तो जिस स्थान पर मृतक को फेंका था वहां डंपर के चक्के के निशान बनाए और पूरे मामले को गुमराह किया। वहीं पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मृतक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों तक पहुंचे, जिसमें आरोपी संदीप गुर्जर ने पूछताछ के दौरान पूरे मामले का खुलासा किया, जिसमें सहयोगी के रूप में ऑटो चालक जाहिद खान निवासी खेड़ीपुरा को भी आरोपी बनाया गया, जिसमें 2 आरोपी फरार हैं। 9 तारीख को यानी 9 दिसंबर की बात है, एक डेड बॉडी मिली थी जो भुवन खेड़ी रोड पर है, उसमें इस तरह से शो हुआ था प्रथम दृष्टया कि वो एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन मृतक के जो अनिल माणिक है उसके पास से मोबाइल नहीं मिला। हमने जब मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो उसमें मोबाइल एक दिन पहले बंद हो गया, तो हमारे शक का और पक्का हो गया अगर मोबाइल इसके पास होता तो इसके पास मिलता और रात भी चलता और सुबह भी चलता, लेकिन वो एक दिन पहले शाम तक बंद हो गया। तो हमने कॉल डिटेल्स के आधार पर जो जो उससे संपर्क किए थे, जितने लोगों से संपर्क किए थे, सबको बुलाया, उसमें एक व्यक्ति है संदीप गुर्जर जो हमारी हिरासत में है, उसके मुताबिक मृतक रहे करीब 3-4 दिन पहले जो इसकी बैटरी थी डंपर की बैटरी वो चुराई थी। रघु पटेल जो डंपर का मालिक है उसकी चुराई थी और उसके उगलवाने के लिए धमो पटेल ने उसको क्रिकेट के बैट से मारा था, कहीं अधूरी चोट आ गई उसमें घबरा गई, उसमें ऑटो चालक को भगाया भी था कि इसको उस समय तक तो नहीं मरा था ये, लेकिन उस समय उसके साथ चल रही थी, उसको इलाज कराने के लिए ऑटो चालक को बुलाया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। तो ये तो जिस व्यक्ति ने साथ दिया वो है संदीप गुर्जर, एक इसमें ऑटो चालक और एक इसमें धमो पटेल, ये तीनों ने जो है उसको डेड बॉडी को रात भर रखा नहर के किनारे और वहाँ पर भुवन खेड़ी के पास। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।